चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें सामने आ रहा है कि दिल्ली के अंतर्गत सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से तो वह रूबरू हुए, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर सरकार के अंदर किसी चीज की जरूरत है तो वो फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है और 5 साल भाजपा की सरकार रहती है। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर हमें अगली बार इसमें चुनाव के अंदर जीत हासिल करनी है तो हमें अभी से ही तैयारियों के अंदर जुट जाना है, और अब 2 ही साल इसके अंतर्गत बचे हुए हैं, अगर अभी भी इनके अंतर्गत बदलाव नहीं किए गए तो आखिर कब बदलाव किए जाएंगे। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा मैंने कहा वो अजय माकन जी बोल चुके हैं कि जो वैकेंसीज हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और हमने देखा है जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाटाया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे इसके बारे में निर्णय अजय माकन जी होगा। और सबसे पहला इसका नतीजा देखिएगा, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें जो बाई इलेक्शन में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास है, वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता तक जाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत बाई इलेक्शन में हुई है। आगे 5 राज्यों के चुनाव है, वहाँ पे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लगातार आप देखिएगा कि भाजपा का ग्राफ बढ़ता जाएगा और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।